स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। पतंग और डोर का रिश्ता अटूट होता है। मांझा पतंग को आसमान की ऊंचाइयों में पहुंचाता है और इसी आसमान में बेजुबान भी ऊंचाइयां भरते हैं। लेकिन आसमान में उड़ती पतंगों को काटने की होड़ में चाइनीज मांझा बेजुबानों और इंसानों की जिंदगी की डोर काट रहा है। चाइनीज मांझा सड़क से लेकर छत तक उड़ता आतंक साबित हो रहा है। यानी सावधानी हटी तो आपकी जिंदगी की डोर कट सकती है। कुल मिलाकर एक जानलेवा शौक कई बेजुबानों की मौत बन जाता है। सिर्फ बेजुबान ही नहीं, चाइनीज मांझे की वजह से राहगीरों को भी जिंदगी और मौत से जूझना पड़ता है और इसके इस्तेमाल बिक्री और स्टॉक करने पर प्रतिबंध भी है। इसके बावजूद हर साल ये बिकता है, जान लेता है। सरकार ने चाइनीज मांझे पर बैन लगा रखा है तो फिर इसकी धड़ल्ले से इस्तेमाल और बिक्री कैसे हो रही है? मौत का सामान बनकर चाइनीज मांझा बाजार में आखिर क्यों बेरोक टोक बेचा जा रहा है? आज चर्चा इसी मुद्दे पर। और चलिए सबसे पहले तो आपको यही बता देते हैं कि चाइनीज मांझा आखिर है क्या। चाइनीज मांझा नायलॉन के धागे में मेटलिक पाउडर मिलाकर बनाया जाता है। नायलॉन के धागे पर कांच और लोहे को पीसकर नायलॉन के धागे पर धार लगाई जाती है। ये धागा प्लास्टिक जैसा दिखता है और स्ट्रेचेबल होता है। इसे खींचते हैं तो ये टूटने के बजाय बढ़ जाता है। चाइनीज मांझे में 5 तरह के केमिकल और कई धातुओं का प्रयोग होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और लेड का इस्तेमाल होता है। ये सभी चीजें मिक्स होकर तेज धार वाला ऐसा चाइनीज मांझा बनाती है जिससे कोई भी इसे काट नहीं सकता। अब इसके नुकसान क्या हैं ये भी आपको बता देते हैं। पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नायलॉन के मांझे से मानव ही नहीं बल्कि पक्षियों को भी बहुत नुकसान होता है। इस मांझे से कई पक्षी भी घायल होते हैं, कई बार मर भी जाते हैं और इतना ही खतरनाक ये इंसान के लिए भी होता है और उसके कई उदाहरण हम सालों से देख रहे हैं। और हाल ही में जो केस सामने आए उनमें झुंझुनू का केस, कोटा का केस, सीकर जिले का केस है जहां कई लोग घायल हो गए और उनकी जिंदगी बस भगवान ने बचा ली है। मेटल युक्त इस मांझे से करंट लगने का भी खतरा होता है। पतंग के मांझे से अगर 66 या 35 केवी की एक लाइन ट्रिप हुई तो करीब 2500 घरों में बिजली गुल होने का खतरा होता है। कई बार चाइनीज मांझा और पतंग रेल लाइन पर गिरती है और इससे सप्लाई में भी बहुत बाधा आती है। अगर ये इतनी खतरनाक चीज है, प्रतिबंधित है, उसके बावजूद बिक्री आखिर कैसे हो रही है? क्यों गोदामों पर अभी भी छापे मारने पड़ते हैं और क्यों सरकार को इतनी सख्ती करनी पड़ती है और उसके बावजूद भी घटनाएं नहीं रुकती हैं? इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर जॉय गार्डन चेयरमैन है होप एंड बियॉन्ड, अभिषेक सिंह फाउंडर एंजल आई एनिमल वेलफेयर से, तो डॉक्टर साहिल सिंघल पीपल फॉर एनिमल और संगीता बेनीवाल अध्यक्ष बाल संरक्षण आयोग हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुमन चौधरी एडिशनल DCP जयपुर नॉर्थ भी हमारे साथ जुड़ गई हैं और हमारे रिपोर्टर सत्यनारायण भी हमारे साथ जुड़े हैं। और क्योंकि सत्यनारायण जो है आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे कि क्या अभी स्थिति है, क्या चाइनीज मांझा बाजार में है या फिर नहीं, क्या धड़ल्ले से बिक रहा है या चोरी छुपे इसे बेचा जा रहा है। सत्यनारायण जानकारी दे। मेरे को देखिए, चाइनीज मांझा जिसे हम मौत की डोर कह सकते हैं, जिससे अनेक
पक्षी अपना दम तोड़ते हैं, कई लोग अपनी गर्दन कटा बैठते हैं, उनके कान कट जाते हैं, उनकी नाक कट जाती है। लेकिन जयपुर शहर की बात करें तो जयपुर शहर के अंदर चाइनीज मांजा धड़ल्ले से बिक रहा है। लेकिन अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस लगातार एक्शन लेती है, अभियान चलाती है। 3 दिन पहले ही सुभाष चौक थाना इलाके में एक गोदाम पर छापा मारा गया और बड़ी मात्रा में वहाँ से चाइनीज मांजा पकड़ा गया, दुकानदार गिरफ्तार किया गया। क्योंकि जयपुर पुलिस ने स्पष्ट कर रखा कि चाइनीज मांजा मिलेगा तो आपकी जमानत नहीं, आपकी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि ये मौत की डोर है, इसकी डोर को हमें कहीं ना कहीं काटना होगा। तो पुलिस अभियान चलाती है, जब तक हम सावधान नहीं होंगे, जब तक हमारा समाज सतर्क नहीं होगा चाइनीज मांजा के प्रति। कुछ युवा जो चाइनीज मांजा उपयोग में लेते हैं लेकिन वो सोचते नहीं कि इस मांजे के उड़ाने से कितने पशु जो पक्षी हैं उनको अपनी जान जोखिम डालनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं समझ जरूरी है खुद में, उसके बाद उन दुकानदारों में जो थोड़े से लालच के लिए चाइनीज मांजा बेचते हैं। जयपुर शहर की बात करें तो जयपुर शहर की पतंग की दुकानों पर चाइनीज मांजा बिकता है और हमेशा से बिकता आ रहा है, लेकिन पुलिस कार्रवाई करती है, दुकानदार को पकड़ती है, जमानत होती है। लेकिन इस बार कानून प्रावधान बदले गए हैं, इस बार अगर चाइनीज मांजा बेचते हुए पकड़े जाते हैं तो उसे गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। मेगा बिल्कुल। और अब सुमन चौधरी जी का रुख कर लेते हैं। सुमन जी, आपने रिपोर्टर को हमारे सुना, वो कह रहे हैं कि लगातार धड़ल्ले से ये चाइनीज मांजा जो है बेचा जा रहा है। अब कार्रवाई अगर पुलिस कर रही है तो फिर आखिर ये धड़ल्ले से क्यों बिक रहा है, क्यों इस तरह की घटनाएं हो रही है मैम? मेघा जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि चाइनीज मांझे के संदर्भ में पुलिस कमिश्नरेट में धारा 144 का ऑर्डर निकाला गया है, जिसके तहत किसी भी प्रकार का सिंथेटिक पदार्थ से बना हुआ मांझा, लोहा जिसमें इस्तेमाल किया गया पाउडर का या कांच के पाउडर का इस्तेमाल किया गया हो, उसकी बिक्री पर हर प्रकार से रोक लगाने का आदेश हम कमिश्नरेट लेवल पर निकाला जा चुका है। साथ ही किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर उसमें तुरंत कार्रवाई की जा रही है। हमारे यहाँ सुभाष चौक थाना और रामगंज थाने के द्वारा बहुत ही प्रभावी कार्रवाई करते हुए इसमें काफ़ी चरखियाँ जो चाइनीज़ मांझे की थी उनको जब्त किया गया है, मुकदमा भी किया गया है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की सूचना होने पर सभी SHO लेवल पर और सभी लेवल पर हमारे द्वारा उसमें कार्रवाई की जा रही है, लगातार निगरानी भी रखी जा रही है, लोगों को समझाइश की जा रही है, CLG ग्रुप्स के माध्यम से, पुलिस मित्र के माध्यम से सभी को लोगों को समझाने की भी कोशिश की जा रही है कि हम भी उसको खरीदने से बचें। तो लोगों में जागरूकता भी कर रहे हैं। अभी तक अगर कार्रवाई की बात करें, कितनी कार्रवाई हो गई है? हम उसमें केस भी दर्ज कर रहे हैं। अभी तक कितनी कार्रवाई हो गई है, कितना ये मांझा पकड़ा गया है? इसमें सुभाष चौक थाने में 480 चाइनीज मांझे की चरखियां हमने पकड़ी थी और रामगंज थाने में हमने 180 चरखियां पकड़ी थी चाइनीज मांझे की अभी तक, और उनमें दोनों में ही केस किया गया है। मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए गोदाम पकड़ते हैं या कहीं से चाइनीज मांझा पकड़ा जाता है, अब ये मांझा जो है वो आता कहां से ये बन रहा है और इसका जो बेस है वो कहां है? इसमें भी लगातार कोशिश की जा रही है कि इनका सोर्स हमें पता चले दुकानदारों से, क्योंकि अभी तक छोटा दुकानदार या ऐसा उसी प्रकार की कार्रवाइयाँ हो पाई कि हम किसी वो आगे उनकी कनेक्टिविटी साबित कर पाएं, वो कोशिश कर रहे हैं अभी। जी सुमन जी, ये हम मान के चलें कि अगर इस बार कार्रवाई हो रही है, पुलिस सख्त है, तो अब मांझा नहीं, जयपुर में तो नहीं मिलेगा चाइनीज मांझा? बिल्कुल, हमारी यही कोशिश है कि हम लगातार कार्रवाई करते रहें, लोगों को भी जागरूक करते रहें और उस कार्रवाई के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हम बताएं भी लोगों को, ताकि जो आरोपी पकड़े जा रहे हैं और जिनके खिलाफ हमने केस किए हैं वो एक उदाहरण के तौर पर पेश हों और उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उसको हम लगातार लोगों को बता रहे हैं, ताकि आगे से ये आगे बिक्री नहीं हो पाए और इस पर रोक लगाई जा सके। जी, संगीता बेनीवाल जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। संगीता जी, क्योंकि बच्चों में बहुत क्रेज होता है इसको लेकर, उनको पता होता है चाइनीज मांझा है, खतरनाक है, उसके बावजूद उनके लिए बड़ी बात क्या होती है? और सिर्फ बच्चे नहीं, हालांकि ये युवा के लिए भी होता है, लेकिन बच्चों में क्रेज ये होता है कि हमारी पतंग नहीं कटनी चाहिए, चाइनीज मांझा है कोई बात नहीं, उन्हें इसका नुकसान ही नहीं पता। बिल्कुल, देखिए मेघा जी, सबसे पहले तो मैं सभी को, फर्स्ट इंडिया परिवार को व सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देना चाहूँगी। वह धन्यवाद देना चाहूँगी फर्स्ट इंडिया को, जिन्होंने वाकई में
इस पर पूर्व चर्चा करते हुए एक जागरूकता के रूप में आप लोग आगे आए, और जो मकर संक्रांति का पर्व है वो दान पुण्य के साथ साथ जिस तरह से पतंगों का पर्व है और बच्चों को इसका खासकर और बड़ों को क्रेज होता है, परंतु एक गंभीर बात है और संवेदनशील है बालायोग इसको लेकर कि हम जैसे प्रत्येक वर्ष देखते हैं सुनते हैं पशु पक्षी ही नहीं कई हमारे लोगों को भी अप्रिय घटना जो हमारे सामने आती है, तो उस पर कैसे नकेल कसी जाए, उसको कैसे रोका जाए, तो बाल आयोग ने इसके लिए पूर्व तैयारी करते हुए प्रदेश भर के जिला कलेक्टर्स को चिट्ठी लिखते हुए सख्त निर्देश दिए हैं कि चाइनीज मांझे का उपयोग, चाइनीज मांझे की बिक्री, चाइनीज मांझे का भंडारण, ये सब कहीं पर भी हो तो तुरंत प्रभाव से उस पर मॉनिटरिंग करते हुए और संबंधित व्यक्ति पर अनुचित कार्यवाही की जाए, ताकि इस वर्ष मकर संक्रांति के पर्व में इस तरह की कोई भी खबर हमारे सामने ना आए। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी हैं जो इस पर काफ़ी अच्छा कार्य कर रही हैं, उनको भी आगे आना चाहिए और अभी से इस पर कार्य करना चाहिए, और अभिभावकों को भी कहीं ना कहीं जागरूक होने की आवश्यकता है कि बच्चों को जो पतंगबाजी है वो सद्दे से भी की जा सकती है, चाइनीज मांझा कम से कम घर पर नहीं आना चाहिए और ना उसकी खरीद होनी चाहिए। डॉक्टर साहिल, लगातार आप इस पर काम कर रहे हैं, कितने आपको ऐसे हादसे नजर आते हैं, क्या स्थितियां नजर आती हैं, सबसे पहले तो वो बताएं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। एंड हम एनजीओज मैम, सबसे बड़ी चीज जो हम करते हैं वो एजुकेट करते हैं लोगों को। अगर हम देखें कि रिपोर्टेड जो इंसिडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, वो बहुत कम हैं, बिकॉज लोग चोट को छोटा मान के और अपने घर में ही अपना उपचार करके अपना मेडिकल ट्रीटमेंट लेके रह जाते हैं, रिपोर्ट नहीं करते। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर हम देखें, साल के एंड में हमें जब पता चलता है कि ये मंजे से बच्चे के लग गई थी, एक स्ट्रीट डॉग के लग गई थी, उसका कान कट गया, किसी का मुंह पे कट गया, लिप्स के पास कट गया। इनफैक्ट अगर आप हमारे शेल्टर होम्स को विजिट करें, वैशाली नगर, जवाहर नगर, राजा पार्क, सब जगह पूरे ऑल ओवर द सिटी आप अगर शेल्टर होम विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि उन बर्ड्स के साथ क्या हाल हुआ है, उनका जीवन चला गया है। आप देखिए, सिर्फ आधे एक घंटे की मस्ती के लिए हमने उन बर्ड्स के साथ क्या किया है। तो इंसिडेंट्स तो बहुत सारे हैं, इट डिपेंड्स कि वो रिपोर्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सबसे बुरा तो मैम मैं ये कहूँगा कि जो लोग आजकल पतंग उड़ाते हुए इन द इवनिंग दे स्टार्ट फायर क्रैकर्स, मतलब वो बम फोड़ते हैं, दिवाली नहीं है, संक्रांति है, वो बम फोड़ते हैं और वो चिड़ियाँ एकदम से उड़ती हैं और सारी पतंगे पतंगों की डोर में उलझ के वो कटते हैं, मरते हैं। आप प्लीज़ एक बार शेल्टर होम्स देखिए। इनफैक्ट माइंडसेट चेंज करने का टाइम आ गया है अब। एंड जैसा कि हम पास में देखते आए हैं, फादर अपने डॉटर को ले जा रहा है, उसकी गर्दन कट गई, एंड शी इज़ नो मोर। ऐसे इंसिडेंट्स के बाद हमें डर जाना चाहिए इस चीज़ से। और जो लोग कुछ छोटे से पैसों के अपने लालच के लिए इंसानों की ज़िंदगी, उन जानवरों की ज़िंदगी, इस इकोलॉजी सिस्टम को ख़राब करना चाह रहे हैं, उनको एक्चुअली पिनलाइज करना चाहिए, एंड इट शुड बी डन। एंड सिविल डिफेंस, पुलिस, ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल द एनजीओज, होप एंड बियॉन्ड, एंजल आइज, ईडब्ल्यूसीएस, पीएफए, रक्षा, ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर इनटू इट। हम सब लगे हुए हैं अभिषेक जी, लगातार सभी लोग लगे हुए हैं। और ये तो ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा संक्रांत आ रही है, हम तो सालों से देखते आ रहे हैं और सालों से इसी तरह से काम चल रहा है, सालों से चाइनीज मांझा जो है वो चल रहा है। हालांकि अब बैन कर दिया सरकार ने, 2 साल हो चुके हैं लगातार इस पर, अब कह रही है जैसे मैम सुमन जी की, लगातार अब गिरफ्तारियां भी इस पर होगी और सख्ती कर दी गई है, लेकिन कहीं उस सख्ती का प्रभाव नजर आता मैम? हम लोग 2012 से बर्ड ट्रीटमेंट कैंप लगा रहे हैं और हर साल जो हम देख रहे हैं बर्ड्स की कॉल बढ़ी रही है। सो हम जो शुरुआत में 50-60 जहां बर्ड आती थी, अब 450-500 बर्ड का लास्ट ईयर का रिकॉर्ड है। और ये कॉल्स बढ़ने के 2 कारण हैं। एक तो लोगों में अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ी है, लोग मंजे का देखते चोट लगे हुए पक्षी को हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं। और दूसरा, कहीं ना कहीं पतंगबाजी जो है कम समय में ज़्यादा इंटेंस हुई है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने लेकिन कम समय में ज़्यादा लोग पतंग उड़ा रहे हैं। सो हमारा जो मेन उद्देश्य है कि यही बताना कि जो मंजे से पक्षियों का हाल हो रहा है और जिस हाशिए पे आज की डेट में उनकी जो बायोडाइवर्सिटी जितनी ख़राब हुई है, उतना किसी भी और किसी जानवर की नहीं हुई। आप ये देखेंगे तो बर्ड्स, पहले हमें कितनी बर्ड दिखाई देती थी, हाउस पैरो दिखाई देती थी, कौवे दिखाई देते थे, गिद्ध दिखाई देते थे, आप देख रहे हैं तो उनकी संख्या और दिखने वो कम हो गए हैं और बहुत ही आजकल रेयर हो गए हैं दिखना।
तो इसका कारण क्या है? इसका कारण एक तो उनका हैबिटेट खराब हो रहा है, और दूसरा कारण ये है कि ऐसे जो त्यौहार हैं, जैसे हम दिवाली पे पटाखे फोड़ते हैं, मकर संक्रांति पे हम पतंग उड़ा रहे हैं, तो उससे जो इतने चोटिल हो रहे हैं पक्षी, जिनकी कोई मैं आपको बयान नहीं कर सकता। आप अगर जयपुर के अंदर देखेंगे तो हम समझते हैं कम से कम हमारे पास रिकॉर्डेड केस 5000 प्लस नंबर रहते हैं हर मकर संक्रांति के ऊपर, और ये जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता भी है। डॉक्टर जॉय, अब क्योंकि देखिए हम इस पर लगातार बात कर रहे हैं, अभिषेक जी हो या हर कोई इस बात को कह रहा है कि हाँ, चाहे एनिमल हो, चाहे फिर वो बर्ड्स हो, और चाहे फिर वो इंसान हो, हर किसी के लिए ये चाइनीज मांझा खतरनाक है। अब आप ये जरा बताइए कि क्यों इस पर काम नहीं होता है, कमी कहाँ पर नजर आ रही है आपको, क्योंकि आप तो लगातार इस पर काम कर रहे हैं ना सभी लोग। हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग बर्ड रेस्क्यू करने का काम करते हैं, बर्ड रेस्क्यू करके उनका ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन, ये वाला हमारा पार्ट होता है। लेकिन जो इस पे बैन लगाने का काम है, रेड्स मारने का काम है, वो सारा काम प्रशासन का है। अगर आप देखो, अभी आज की तारीख में मैम ने ही बताया, जैसे कि 450 उन्होंने चक्रियाँ पकड़ी हैं सुभाष चौक में एक दुकान से, लेकिन जयपुर के अंदर शायद 35 से 40 लाख लोग रहते हैं, और कम से कम हर एक घर के ऊपर एक एक दो दो लोग चरखी लेके पतंग उड़ा रहे होंगे। तो जहाँ पे लाखों की तादाद में चरखियाँ हैं प्रेजेंट, और हम जो रेड कर रहे हैं वो हज़ारों के अंदर कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट मतलब लोगों के पास में मांझा है और वो उड़ाएंगे संक्रांत के ऊपर हर साल। कभी ये है कि जो पकड़ना जिन्हें चाहिए लोगों को, वो शायद पकड़ नहीं पा रहे। एग्जैक्टली, इसमें ये है कि हमें इसको रिग्रेसली, इसको प्रायोरिटी के ऊपर लेकर हमें काम करना चाहिए, और रेगुलरली हमें इसमें रेड्स मारनी चाहिए। और सबसे मेन चीज़, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग और स्टोरेज है, उन जगहों पर हमें ज़्यादा रेड मारनी चाहिए, क्योंकि वही इसका स्टोर हाउस तो वही है ना, मतलब मेन वहीं से सब जगह सप्लाई हो रहा है। सुमन जी, जरा इसका जवाब दें मैम, क्या कहीं पर कमी आपको नजर आ रही है? क्योंकि अगर ये बात तो सही है, अगर जयपुर में इतने लाख लोग चरखी से पतंग उड़ा रहे हैं, चाइनीज मांझे का उपयोग कर रहे हैं, दुकानों पर ये मांझा पहुंच रहा है, तो कहीं तो कमी होगी मैम। मेघा जी, मैं क्लियर करना चाह रही हूँ कि अपराध और अपराधी हमेशा रहा है, और उस पर अंकुश लगाया जा सकता है, उसकी रोकथाम कर सकते हैं, हम कार्रवाइयाँ भी करते हैं। वही सिद्धांत इस पर भी लागू होता है कि चाइनीज मांझा कब से बनता आ रहा है, कहाँ उसको कौन कौन बेच रहा है, और उसमें पुलिस क्या कर सकती है। मैंने आपको बताया कि हमारा आदेश तो निकल ही चुका है कि इसकी बिक्री पे पूर्णतः रोक रहेगी, पर मैम संख्या तो आ गई ना, तो निगरानी रख रहे हैं। हमने उन जगहों को भी चिन्हित किया है जहां नहीं, लगातार कार्रवाइयां चल रही है और लगातार निगरानी, और उन जगहों को भी चिन्हित कर रखा है, गोदाम्स को चेक करना, दुकानों को चेक करना, वो सारी कार्रवाइयां कर रहे हैं, जहां हमें मिल रहा है हम उसको जब्त करेंगे मैम। लेकिन अगर मैं दुकानों की आपको स्थिति बताऊं, ये है कि वहां पर चाइनीज मांझा मांगो तो वो एक बार तो हिचकते हैं, अगर आप कोड वर्ड में मांगोगे या कहोगे नहीं बताया जाएगा तो उसके बाद वो आपको दे देंगे, यानी है सबके पास, लेकिन छुप छुपा कर ये चीजें बिकती हैं। और जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि कई तो ऐसी जगह है जहाँ धड़ल्ले से बिक रही है, फिर कहाँ पे कमी आ रही है? सिर्फ एक गोदाम पर अगर छापा पड़ जाता है तो क्या वो कमी पूरी हो जाएगी क्या? नहीं नहीं श्वेता, इस बारे में यदि आपको ऐसी कोई रिपोर्टिंग मिलती है या कुछ भी होता है तो आप बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं कंट्रोल रूम के थ्रू, थाना अधिकारी लेवल पर या कहीं भी आप हमें कंट्रोल कोई भी सूचना मिलती है तो हम इस पर बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। हम अपनी तरफ से जा कर भी चेक कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हमें अवेयर भी नहीं है और साथ साथ उसको चेक भी कर रहे हैं, तो हमारे सामने जितने भी आ रहे हैं हम उसको किसी को नहीं छोड़ेंगे और नहीं हम छोड़ रहे हैं। सत्यनारायण, इस पर जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप भी लगातार ये कह रहे थे स्टार्टिंग में कि हाँ धड़ल्ले से तो बिक रहा है, हालांकि पुलिस कार्य कर रही है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं उसको खरीद भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं। मैम,
मेघा देखिए, सबसे अधिक पतंगें जयपुर शहर में उड़ती है, नॉर्थ इलाके में, यानी कि परकोटे के अंदर सबसे अधिक पतंगबाजी होती है और परकोटे में सबसे अधिक मांझा बिकता है। लेकिन अगर इस बात की बात करें तो खुद एडिशनल डीसीपी सुमन चौधरी ने 30 से अधिक जो टीमें हैं उनका गठन किया है और उन्हीं टीमों ने कार्रवाई को शुरू अंजाम देना शुरू किया। सुभाष चौक के अंदर चरखियां पकड़ी, रामगंज में चरखियां पकड़ी और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर सकरात से 2 दिन पहले तक ये अभियान चलेगा और बड़ी संख्या के अंदर वो लोग पकड़े जाएंगे जिन्होंने मौत की डोर बेचने का प्रयास किया है। हालांकि पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन पुलिस अपनी जगह कार्रवाई करती है, पुलिस का काम इतने अधिक कानून लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के, अपराधियों को संभालने के, तो ये एक दिशा के अंदर लोगों को अज्ञान होगा, जागरूकता लोगों की जरूरत है। संगीता जी, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि बच्चों के लिए, जैसा मैंने कहा कि बच्चे बहुत ज्यादा इसके लिए क्रेजी होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता ये चाइनीज मांझा है, खतरनाक है या ये दिक्कत कर सकता है, अब उनको रोकने के लिए किस तरह से प्रयासरत लगातार होना चाहिए या किस तरह से जागरूक करना चाहिए उनको? देखिए मेघा जी, जिस तरह से सरकार के द्वारा भी सख्त निर्देश दे दिए गए हैं चाइनीज मांझे को लेकर, आयोग ने भी पत्र जारी कर दिया है, डीसीपी मैम भी बता रही हैं कि जिस तरह से उन्होंने भी कई जगह इसको धरपकड़ की है, परंतु मुझे लगता है कि इसको और अधिक गंभीरता से लेते हुए और अधिक जहाँ पर इसका भंडारण है वहाँ पर छापेमारी करनी चाहिए। और बच्चों को जागरूकता की जहाँ तक बात है, तो हमको, मुझे ऐसा लगता है कि अभिभावकों को, स्कूल शिक्षकों को और साथ ही साथ स्वयंसेवी संस्थाओं को बच्चों को बार बार ये चीज़ कहनी चाहिए कि पतंग उड़ाएं, बिल्कुल ये आपका त्यौहार है, लेकिन इसको सद्दे के साथ पतंग उड़ाएं, ना कि चाइनीज़ मांझे के साथ, और उसके क्या दुष्परिणाम हैं इसके लिए बच्चों को, कहीं ना कहीं विद्यालयों में, कहीं ना कहीं अभिभावकों को, कहीं बच्चों को ये बात बतानी चाहिए, बच्चों के जहन में ये बात डालनी चाहिए कि इसके क्या दुष्परिणाम निकल कर आते हैं, ताकि बच्चा स्वयं चाइनीज मांझे से रुके। और बिल्कुल आप अभी सही कह रहे थे कि बच्चों के लिए खाली एक ही चीज़ होती है कि मेरी पतंग नहीं कटनी चाहिए और मैं कितनी पतंग काट सकता हूँ, तो उसको लेकर जो क्रेज है वो एक खतरनाक साबित हो जाता है कई बार, बच्चे को ये नहीं लगता कि चाइनीज मांझा है या उसके क्या दुष्परिणाम होती है, तो अवेयरनेस खतरनाक होता है। डॉक्टर साहिल जी, आपसे जल्दी से एक क्लोजिंग कमेंट जानना चाहेंगे। जी, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चों को और अपने शहर को बचाएं, और उससे इम्पॉर्टेंट हैं ये जो बिना आवाज़ के ये जो पक्षी हैं जो आपकी पूरी सोसाइटी को बचाते हैं, आपको पता चलेगा जब इकोलॉजी पढ़ेंगे, उनको बचाएं। यू नो, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम इंसानों के लिए ही सोचें, प्रकृति के लिए सोचेंगे तो इंसान के लिए हम सोच पाएंगे। चाइनीज़ मांझे से दूर रहें और मकर संक्रांति इंजॉय करें। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब इस तरह चाइनीज मांझे का उपयोग हो तो लोगों को जागरूक होना जरूरी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, क्योंकि चाइनीज मांझा जब हम खरीदते हैं तो हमारे लिए तो ये एंजॉयमेंट होता है, मनोरंजन होता है, लेकिन जो सामने वाला होता है उसकी जिंदगी से हम खेल रहे होते हैं, और ना सिर्फ मानव इंसान बल्कि ये पक्षी और पशु भी हैं। तो इसका ध्यान रहे, जागरूक रहें और साथ ही साथ चाइनीज मांझे का उपयोग ना करें, क्योंकि ये प्रतिबंधित भी है, गैर कानूनी भी है और ये आपके लिए सही भी नहीं है। फिलहाल के लिए कार्यक्रम में इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।